गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। एंड द डे इज हैपनिंग, इट्स 19th मार्च। टूर्नामेंट का मैच स्टार्ट होने वाला है, टूर्नामेंट स्टार्ट है और मैं सबसे पहले पहुंचना है। कपड़े चेंज करके निकलने लगे हम, चेंज हो गया घर से निकलने चेंज करके, क्योंकि हमारा बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। गेट तुम्हारा भाप बंद करेगा, गेट बंद कर, गेट वेट बंद करवा दिए, निकलने अपन ग्राउंड की तरफ। वेट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ग्राउंड पहुंच जाओ बेटा, बस फटाफट ग्राउंड का सीन है और निकलने हम लोग, मिलते हैं वापस ग्राउंड में। अरे कोई आया नहीं है, कोई लेट हो गया है, किसी का मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और लंबी लंबी में हम भी थक गए। अभी विकेट लेने आया हूँ मैं, छत पे विकेट पड़ी हुई थी हमारी और वो शार्ट है, शार्ट है, बेइज्जती हो गई है, ख्वारी अलग से हो गई है भैंड क्या विकेट के चक्कर में। तो देखते हैं विकेट कहाँ गई अभी, यहाँ से मिलते हैं बाहर पहुँच के ना जल्दी से। सामने हमारे ग्राउंड का गेट और हम जो है वो पहुंचने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। मुजम्मिल भाई बता रहे हैं कि यार बड़ा खतरनाक सीन हो गया है, बहुत मजा आएगा, कितनी भी जान लगा लो कप्तान नहीं जा रही, बॉल जाएगी और बॉलर तो जलीली जलीली है। तीन जिगरी यार आपको, तीन अलग अलग इस्लामाबाद कराची एंड दिल्ली, और मजे की बात पता है मैच भी एक दूसरे से ही है हमारा, एक दूसरे के मुखालिफ खेलेंगे, पहले हमारा और इनका है। उस्ताद ये क्या किया उस्ताद, ये गलत है यार, ये गलत बात है उस्ताद, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, मज़ा नहीं आएगा। वरना ग्राउंड के अंदर एंटर हो चुके हैं और मस्त अभी जा रहे हैं, वेन्यू बस पहुंच गया हमारा, दिस इज़ द वेन्यू, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं जहां हमने मैच खेलना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं घड़ो रशी पा देख रहे हो, फैन फॉलोइंग भाई की, भाई के लिए ये रश सारा जी सर। देखो मैं व्लॉग का शॉट बनाने के लिए खोला है मोबाइल, फैन फॉलोइंग ही कितनी है भाई, रास्ते में ही पकड़ लिया, पैसे वैसे यार पैसरियाँ ले ली हैं टीम से और खा रहा है। बोला मैं देखता हूँ, बोला दो कबूतर के पैर और लाके डालू मैं, बोला दो कबूतर के पैर आएंगे एंट्री से भाई, उस्ताद को दे रहे हैं जो जो कराची की शर्टें पहना हुआ ना, सारों से लूंगा 100-100 रुपये, सारों से बंदे इतने इसके पास सारे दे दो 100 में बैठ जाऊंगा। रिकवरी टाइम भाई, रिकवरी टाइम, अभी हमने भी रिकवरी करनी है, एंट्रियाँ तो दे चुके हैं हम लोग, ललुआ का 70 भूखा ताक रहा है। ये हमारे की बॉलर है, इनको हमने खरीदा 1000 रुपये में, शक्ल तो मैंने 50 रुपये वाली है खरीदा, लेकिन 1000 रुपये में मैंने इसको। इस्लामाबाद के की प्लेयर कोयटा के, अबे भाई व्लॉग का शॉट बना रहा हूँ, नॉट अ सेल्फी। पहला मैच हमारा इनमें से किसी से भी नहीं है, वो है ही नहीं, मुल्तान से तला भाई से तला बकरी आई नहीं, और वो जिनसे मैच है वो आई नहीं ग्राउंड के अंदर, और बाकी इस ग्राउंड की स्टैंड सबसे बकरी टीम का सबसे बकरी प्लेयर है। इस वक्त स्टार्ट कर दिया ये देखो, क्योंकि मैच में तो लगने नहीं है, ही इज ट्राइंग टू हिट, कह रहा है अभी कौन सा लगने, मुहैर भाई कहें बॉलिंग करने, और बच्चे रो रहे हैं हमारे कि इस विकेट पे खेलेंगे कैसे, विकेट बड़ी मुश्किल है खेलने के लिए। दिस इज विकेट, ये विकेट बनाई है भाई, काफ़ी मुश्किल है इस विकेट पे खेलना, क्योंकि ये वो वाली विकेट है जिसे आप बोलते हैं ना अपना फट्टा फट्टा, वो वाली फट्टे वाली विकेट है, क्योंकि ये सीमेंट नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये भी ब्लॉक कर रहे हैं बहुत टाइम बाद, वैसे तो करते नहीं है, बहुत कर रहे हैं, कर लेता हूँ कभी कभार, असल में 1000 लोग हो गए ना सब्सक्राइबर, 1000 हो गए, वो डिमांड करते हैं ब्लॉग की यार, डिमांड कर लेते हैं, डिमांड है भाई हमारा। समीर ने वो विकेट से खड़े होकर मारा और यहाँ गिरी है मुजाहिद के पास, बाउंड्री वो वाली है, तो भाई बेइज्जती होने वाली है बहुत बेहतरीन करके जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि टेनिस बॉल है और ये जा नहीं रहा भाई, आपके भाई ने चलाया भी जनरेटर, मैंने ही चलाया ना, ये सारे मुझे देख रहे हैं मैंने जनरेटर चलाया, अब मैं ही ऐलान नहीं करूँगा भाई, ये माइक बड़ा अजीब लग रहा है यार, कल आ जाओ उसी टाइम फोन हो जाएगा। एसन भाई टॉस भाई टॉस हो गया, टॉस आ रहे हैं लेकिन मैच नहीं आ रही है, टेंशन ले रहे हो यार, फिर से गेम उठाने पूछो ना ये कैसी रात हो गई, हर सो चारों तरफ होगी अपनी बात, सीटी बजेगी तेज सजेगा, ताली बजेगी अब दिल जमेगा, सीटी बजेगी, और गेंद बाहर, फिर कलरफुल
छक्के से इस ओवर का अच्छा शुरुआत किया। ये हमारे हसन भाई लेग अंपायर है और साथ खड़े हैं स्टेड अंपायर हसन अपने बॉलर को समझाते हुए। और ये नेक्स्ट बॉल भुरम भाई ने अंपायर को दोबारा अंपायर का इशारा। नो बॉल क्या था दोबारा हो गया बिल्कुल नहीं पा रहे क्या करना चाहिए सामने खड़े भाई थोड़ा साइड हो जाओ। ये नो बॉल हो गई फिर से एक ओवर में दो नो बॉल कर दिए भुरम भाई ने पता नहीं क्या कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं ना साल साल भुरम भाई भाग्य ये क्या विकेट लिया गुरम भाई के बहुत अच्छे नेक्स्ट मैच की जितना खेलना था खेल लिया। अल्लाह हाफिज़ के कैप्टन आ चुके हैं वो बात नहीं लड़की अच्छा था और ये इससे पढ़ेंगे चैन कुली की मैन कुली कैप्टन कैप्टन। और ये इस्लामाबाद के कैप्टन है जो बैटिंग पे आए हैं यहाँ से आदिल सिद्दीकी की बागे अंपायर को क्रॉस किया बॉल किया ये शॉट है। ये हमारी पवेलियन के लोग कमेंट दे रहे हैं कि इस्लामाबाद जीतेगी। एक अच्छा बॉल और ये कैप्टन है और ये रास्ता दिखाया की बारी यही तक थी बहुत सामना करेंगे बॉल की और ये आउट फील्डर बॉल के नीचे बहुत प्यारे आदिल भाई अंपायर को क्रॉस किया बॉल की एक अच्छा बॉल था बहुत ही अच्छी लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाए कि बॉल क्या हुआ अच्छा मैच चल रहा है सामने चुकी है और आसिफ भाई आउट हो चुके हैं इनके सीनियर ऐसा चल रहा है अपनी हसन की अगली बॉल चौथी बॉल ये शॉट है बहुत गलत बॉल कर गए थे और ये क्राउड अप ये एवेंजर मैच नहीं खेलते क्योंकि अपनी टीम में कोई नहीं खेलता दूसरों की टीम में सब खेलते हैं और ये मैच चार ओवर का कर दिया है और बहुत अच्छा टारगेट मैं हसन को बुलाना चाहूंगा अपने पास हसन कितना टारगेट आया अंपायर कितना टारगेट आया अपनी फील्डिंग साइड करने क्योंकि टाइम ज्यादा होने की वजह से एक ओवर का मैच कर दिया क्योंकि फाइव ओवर का था लेकिन चार ओवर का हमारे आज जो वो कमेंटेटर है जो भी बोले जा रहा बहुत अच्छी एक छोटी सी कमेंट्री हो जाए और तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा स्टार्ट मिला ये पापड़ फ्री ये स्पॉन्सर मेरे को फ्री पापड़ मिला है भाई आज ये बहुत अच्छे पापड़ वाले हैं आपसे गुजारिश है कि इन्हीं से पापड़ ले क्योंकि ये मुझे फ्री में पापड़ देके जा रहे हैं। अरे और बच्चों को खेलने का मौका दिया लाइन जैसे बाउंड्री पे जो कलर डाला जाता है वो बाउंड्री को शो करने के लिए प्लेयर भी है कर रहे हैं बहुत अच्छी मैनेजमेंट बहुत अच्छा इंतजाम और ये फुल सीन ऑन चल रहा है टूर्नामेंट की पहली खेलने वाली टीम के सामने इनका एक इमर्जिंग प्लेयर जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 45 रन बनाए सूरज छक्का और उमर भाई बॉलिंग कराते हुए बॉल किया एक अच्छा शॉट सिया फील्डर जो कि बहुत अच्छे फील्डर हैं कोशिश करेंगे। ये इस्लामाबाद का पहला ओवर बहुत बड़ा ओवर जा चुका है जिसमें दो बड़ी बाउंड्री और दो चार रन आ चुके हैं बहुत बड़ा ओवर जा चुका है इस्लामाबाद का इनके लिए आगे मुश्किल हो सकता है 45 का टारगेट था लेकिन देखते हैं अब क्या बॉलिंग करना है तैमूर और ये बहुत प्यारा कैच है लड़के बहुत प्यारे ये हमारा बॉलर हमेशा की तरह शाहीन की तरह बॉलिंग करता है पहले अपने विकेट लेना लाजमी है तो है और ये बहुत प्यारे लड़के ऐसे की तरह जो हमारा ही लड़का बॉलिंग बैटिंग विकेट लेता है और ये वही बच्चा है हमारा बहुत प्यारे लड़के हैं ले चुके हैं ये और ये बहुत प्यारी बॉल शॉट अपने ओवर में सेकंड विकेट ले चुका है बहुत प्यारे लड़के और ये अपना फोर्थ बॉल कराते हुए और ये दिया ओए बहुत अच्छा था शॉट और ये तैमूर का अगला बॉल तैमूर और ये
और ये तीसरी विकेट अपने ओवर की। बहुत प्यारे लड़के और तैमूर दूसरा विकेट लेने में कामयाब। पवेलियन का रास्ता दिखाया। बहुत प्यारे भाई लड़के, ये ओवर सबसे बेहतरीन ओवर ये बनने का हमारे। ये लड़के बहुत प्यारे। कितनी विकेट? तीन रन। कितने? इसे कहते हैं बॉलिंग लड़के। बहुत प्यारे हो गया। बहुत जबरदस्त ओवर तैमूर ने किया। टूर्नामेंट का सबसे डाइड ओवर हो गया अभी तक का पहले मैच का। ये तैमूर बहुत प्यारा, बहुत प्यारा बॉलिंग करा दिया। बहुत नेक्स्ट लेवल बॉलिंग कर गया। और मुल्तान की हलक में मैच आ पड़ा है कि तीन विकेट, बड़ी विकेट गिर चुकी है, तीनों बड़ी विकेट खा के गया अपनी। बहुत प्यारी बॉलिंग। बहुत टाइम बाद कमबैक करते हुए बैटिंग में रेगुलर बॉलर हमारा। और ये विकेट है। बहुत टाइम बाद कमबैक था लेकिन बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन आउट हो गए। इस्लामाबाद के हाथ में मैच आ चुका है और इस्लामाबाद ये मैच जीत चुका है 80% तो ये मैच इस्लामाबाद विन कर चुका है। और ये शॉट ब्लॉग में भी आ जाएगा हमारे इस्लामाबाद वाले कैप्टन के तादू भाई के ब्लॉग में। और कैप्टन के हाथ में ये मैच अच्छे से अच्छा जीत चुके हैं। और एक अच्छा बॉलर फिर से आते हुए इस्लामाबाद का पास। इस्लामाबाद अपना पहला मैच विन कर चुके हैं। कैप्टन आपके इस मैच के मैन ऑफ द मैच आप ही होंगे क्योंकि आपने एक ही ओवर में तीन विकेट झटकाए और पवेलियन का रास्ता दिखा तीन बैट्समैन को। तो और जीत हुआ करेंगे, मैच जीते अगला और सब कुछ अच्छा रहे। और ये कैप्टन इस्लामाबाद के देख रहे हो हमारा मैच, अब हमारा मैच है, जोड़ीदारों का मैच है यार। ये गलत बात है, वन में लड़ेंगे। हमारे उस्ताद ने प्लेयर्स उतार दिए जुनेद और ये जा रहे हैं। बैटिंग है हमारी, ये पूरी टीम खड़ी हुई है हमारी। दोनों हमारे इमर्जिंग प्लेयर जा रहे हैं बैटिंग पे और बहुत अच्छा है। ये तारू जो अपने जज्बात और खुशी का इजहार कर रहे थे। अब देखते हैं कि हम लोग मैच जीतते हैं या हारते हैं। और एक जबरदस्त मैच में मुजम्मिल राज ने उस्ताद इनको बल्ला पकड़ा के चले गए भाई। वन डाउन आ जाना इज्जत से। अच्छा ये सिलेक्शन हुई है इनकी एज अ बॉलर, लेकिन ये वन डाउन भी जा रहे हैं। एक अच्छा, एक बहुत अच्छा बैट्समैन भी है यार ये और एक अच्छा बॉलर भी है। और अब देखते हैं जाके टट्टी करेगा या खेलेगा, क्योंकि क्योंकि इसको पता है मेरे भी सबके अंदर नहीं है, लेकिन आज गिर गया। इस्लामाबाद को कांग्रेस करना चाहेंगे, पहला मैच बहुत प्यारा जीते हैं। हमारा जो बॉलर था खूबसूरत बॉलिंग करके गया, जो मैन ऑफ द मैच रहेगा। कैप्टन हमारे आउट हो गए लेकिन बल्ला के चला चलेगा। बच्चे बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं। बाकी देखते हैं मुजम्मिल भाई जाके क्रिस पे क्या करने वाले हैं। जावर गर्मी से मुजम्मिल भाई द ब्लॉगर आज क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ कर देंगे। और अब शर्जील भाई दूसरे हैंड पे हैं। शर्जील भाई तो माशाल्लाह कैप्टन है, उनकी तो क्लास ही अलग है। तो ये मिस्टर शर्जील अब्बासी विकेट पर उतर चुके हैं। मोहम्मद नकाज शॉट है और अरे मुझे पकड़ लेंडी प्लेयर ऑफ द टीम। खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, हवा में है। बहुत ही अच्छे तरीके से कैच कर लिया है। कोई बात नहीं अब्बासी, और शर्जील आउट हो गए हैं। अरे फरहान ने नाइस कैच करवा दिया, बहुत ही अच्छी, लेकिन कैच नहीं कर सके। आपस में नहीं खेल रहे हैं। द ब्लॉगर गिर गए हैं। वे ब्लॉगर अगली गेंद फरहान करवाने के लिए तैयार। मुजम्मिल को लाइट बॉल। अगली गेंद दूर जगन्नाथ की जानिब से मुजम्मिल राजपूत ब्लॉक्स को और गेंद को अच्छा हिट किया। कराची की तरफ से बहुत ही कम विन, नाइस बॉल।
27 के बाद एक रन 28-29 का विन ओनली, बहुत ही कम विन है। मुकाबला बहुत सख्त है कराची के खिलाफ वालों का। इस्लामाबाद का मैच फाइनली हम जीत गए हैं पहला, और सेकंड मैच में देखते हैं अभी क्या करना है। और ये है डीजे जगन्नाथ, नाइस बॉलिंग यार, क्या लटकाया है इसने, पोले पोले मारो, किसी ने नहीं मारा। इन्होंने पहले ओवर में 3 विकेट गिरा दी है अपनी, अच्छी बॉल मतलब सामने टीम वालों की अपोजिट टीम की और ये कोयटा हारते हुए भाई 24 रन थे, 4 ओवर में अंदर कर दिया ये भाई, सबसे बॉल टाइट बहुत मजा आया कैप्टन देख के, मैं लाहौर वाले जीत की खुशी मनाते हुए भाई बहुत खतरनाक मैच हो गया, 24 रन की बना दी थी 4 ओवर में यार, ऑल आउट कर दिए कोयटा को। और ये लाहौर वाले कोयटा का गाना लगा के खूब मजे करते हुए मैच इमर्जिंग बॉलर की सेकंड बॉल, और ये आगे बढ़ चुके हैं और ये शॉट हो गया लड़के, 6 हो गया भाई, बहुत प्यारे हैं शायद, बहुत प्यारा शॉट। और ये ताबिज भाई के सबसे खतरनाक बैट्समैन, और ये क्या शॉट है, और ये अगला शॉट, और इस्लामाबाद कितने का टारगेट दिया इस्लामाबाद ने, 53 का टारगेट दिया है। अगर कराची सुकून से खेले प्यार से तो आराम से जीत सकती है कराची, तो अब सिंगल डबल भी खेले हैं और एक आध बाउंड्री अगर अवर में सुकून से 10-11 रन का एवरेज है इनका, जीतना है। बाउंड्री नसीब मेरे उस्ताद ने मारा था छक्का, बाउंड्री हुई थी कहाँ बाउंड्री पे, फर्स्ट बॉल कराने जा रहे हैं। सो फाइनली दूसरा मैच, लेकिन अभी बाहर नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं बाहर हो चुका है, देखना ये है कि अब हम इन होते हैं या नहीं होते हैं, और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का इसने मरवा दिया हमें ये वाला मैच, देखते हैं अब नेक्स्ट मैच में क्या होता है, और चार्जिंग भी बहुत कम हो सकता है, हम आगे ब्लॉग कंटिन्यू ना करें, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। यार बहुत प्यारे हैं यार, अरे
टाल लेना ठीक शांत है। अरे ये हाथ में आनी थी यार दादा, आप तो क्या ये एक तो बड़ा तो मजा आ जाएगा। तो भाई हमारा पिशावर का सेकंड मैच आ गया, 50 का टारगेट है। ओ वो नहीं शॉट हो गया, बहुत शॉट है, बाहर है बाहर है बाहर है, शाबाश। बाहर है बेटा बाहर है बाहर है। गलत बीट कर गया ये लाहौर बाहर है कलंदर लाहौर कलंदर। क्या हुआ क्या तुझे पता है शुएल के लिए लगे लाहौर बाहर? नहीं 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 यार, इनसे 24 रुकवा लेंगे, टारगेट दे के आ रहे हैं। ठीक है ये हो गया 1.5, तो जो हमने कॉपी किया था उसको करते हैं पेस्ट, उसको डिवाइड करते हैं। 1.200 है आप लोगों का, ये नोट कर लो। इस्लामाबाद 1.2 ट्रॉफी लेके जा रहे हो ना फिर? बस मतलब ही नहीं है। अबे इनको मैंने हंटर ट्रॉफी दिलवाई है, अभी लेके भेजूंगा। हम लेने आए हैं। अबे रन रेट पे आने वाले अभी ये, अबे बाहर तो नहीं दिया था रन रेट से। 24 आओ आओ, रन रेट अभी उठा के देख लो, पिताजी का अभी भी सबसे ऊपर है। अबे जा यहां से पिताजी, चारों गोली भाई बाजू सड़क बिलाग हमें दे दे। पहले हमारा थोड़ी है कोई टैक, कोई टैक नहीं हमारा थोड़ी। और ये छोटा भी डिसाइड नहीं हुआ अभी आ रहा है। नो 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 नो, ये गरीब बाहर हो गया, मेरा भाई बाहर हो गया। इसने मारे 3 छक्के हमारे इमरजिंग को, मैंने मारे 23, इनने मारे 24, फिर भी बार, फिर 2 विकेट मिली इनने, फिर भी बार। अभी तक नहीं ऐसे नसीब भानू, अभी तक नहीं गया बैटिंग में, फिर भी फ्लाइट में बैठा हुआ है। फाइनल दो एलिमिनेटर राउंड और उसमें हम लोग जीतकर बॉलिंग कर रहे हैं, जाते हुए क्योंकि बाहर हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। नहीं हुआ भाई, पर ये भी है भाई, इन लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिफाई किया, हमसे भी मिल गया इन लोगों ने। और अभी पता नहीं हम दिखेंगे या नहीं, एलिमिनेट होंगे। ये फाइनल तक फाइनली पहुंच गया है और ये हमसे भी जीत गया था। हमारा जो लाहौर से मैच था हम हार चुके थे और नेक्स्ट मैच भी ये जीत चुका है। अब ये फाइनल में ये खुद कुछ नहीं कर रहा लेकिन फाइनल तक पहुंच चुका है। अब देखना ये है कि फाइनल कौन जीत। मुकाबला है समीर वर्सेस सिप्पी, कोच वर्सेस कैप्टन। सो द सीन इज दैट कि हम सारे कैप्टन बाहर होकर खड़े हैं और फाइनल चल रहा है लाहौर वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर्स। और बाहर होने वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब बाहर। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, खत्म गया। अब दिखाते हैं फाइनल कौन लेके गया। होते हुए यहाँ पर ट्रॉफियाँ तो होती हैं बच्चों ने विराट गुरु के, और लेकिन ये भी हाथ में कोयटा वाले कद्दू पे चलते हुए कोयटा की गेम खत्म। और लाहौरी बहुत ही खुश, बहुत ही खुश लाहौर, बहुत ही खुश। लाहौर कैसे जाएगी ट्रॉफी कोयटा के बाहर की, बहुत ही ज्यादा खुशी लाहौर की। 25 रन चाहिए और ये भी गेम हाथों में खेल दी, एक ही रन बनेगा क्या बोल की, और एक अच्छा शॉट मारा लेकिन ये 2 रन मिलेंगे। तो नबील की तरफ से बहुत ही अच्छा और ये खत्म, लास्ट विकेट, लास्ट विकेट। ये कितने बंदे हो और है क्या, 1, 2, 3 विनर ऑफ द टूर्नामेंट लाहौर कैलेंडर।
वेल टीम वेल मेरे दोस्त यार बहुत वेल प्लेड मारू वेल प्लेड भाई मारू होती ना अगर हवा नहीं होती ना हवा चल जाती ना ये हवा जो है ना कान नहीं मराए ना तो ना हम जीते हम जीता जीता हाँ भाई क्या कहा था आपने पीएसएल में मिलूंगा को मिलेंगे हमें कोई टेंशन नहीं थी समझे जो अच्छा खेलता है वो जीतता है और हमें अपनी टीम पे भरोसा था और टीम पे नहीं था खुद पे था वो और हमारा जो है क्वेटा से पक्का मुकाबला पक्का मुकाबला था क्वेटा को बाहर करना था और वो हमने अंदर कर दिया उस्ताद ने जागीर को हरा दिया उस्ताद ने जागीर को हरा दिया आखिर जीत गए सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी खास तौर पे लाहौर में क्वेटा ने इस्लामाबाद ने भी अच्छा खेला बकरी टीम ऑफ द टूर्नामेंट तांस और तांस कोई बात नहीं कोई बात नहीं आई लव चीता आज तक किसी टूर्नामेंट में हारा ही नहीं भैया लेकिन कोई बात नेक्स्ट टाइम और सलमी हर साल की तरह इस साल भी जीत के भी बाहर हो गई तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमने काफी सारे अवार्ड दिए सबकी परफॉर्मेंस के लिए रखे हैं एक अवार्ड है यहाँ पे बेस्ट बैट्समैन का बेस्ट बॉलर का एक बेस्ट ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस का है एक बेस्ट मैचिंग प्लेयर का है और एक बेस्ट सीनियर की मौका अप्लाई करने हमने को मैंने पार्टिसिपेट किया काफी अच्छे से क्रिकेट छोड़ी हुई थी लेकिन हमारे साथ मिल के खेला और तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे सीनियर का जो अवार्ड है अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग में भी बॉलिंग में भी तो वन एंड ओनली आप सब भी जानते होंगे प्रकाश भाई फोटो भी खींचो भाई भाई की थैंक यू तालियां भाई पर इमेजिंग में आ जाते हैं सीनियर्स के पार्ट आने तो इमेजिंग परफॉर्मेंस में हमारे पास इस साल ज्यादा नहीं थी लेकिन दो ही ऐसे इमेजिंग थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एक क्वेटा का हुज़ैफ़ा था जिसकी परफॉर्मेंस हम देख रहे थे टैली कर रहे थे मैं और हसन तो फाइनल मैच की वजह से जो है 3-6 उसको लग गया आखिरी ओवर उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी बैड हो गई और इसलिए ये नाम फिर दूसरे इमर्जिंग प्लेयर को हमने दिया तैमूर बच्चे ने आज सिर्फ रन रोके हैं 10 से अंदर अंदर और विकेट भी साथ साथ लिए क्या बात है तालियां बेस्ट बैटर का अवार्ड मुझे नहीं लगता आप लोग किसी और का नाम लेंगे सभी अरे 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 बैटर समीर समीर आला गुड्डू ये लीजिए ले भाई तालियां बेस्ट बॉलर का अवार्ड दे देते हैं जो से पूरे ग्राउंड में शोर मचा के रखा हुआ है मेरी 12 विकेट हो गई ये मेरी 13 विकेट हो गई हसन भाई आ जाओ पीछे वाले को मौका दो पहले हम बेस्ट खेलेंगे फिर ट्रॉफी लेंगे बेस्ट बॉलिंग और ये सारा भाई इस बंदे की मेहनत है थैंक यू सो मच भाई जिसने एक टूर्नामेंट कराया और हम लोगों को मौका दिया और लाहौर कलंदर चैंपियन बनी लाहौर विद द चैंपियन कहीं तो चल दो सिक्स मारने के बाद बन्ना मेरी तरफ देख रहा था इसका एक अवार्ड है मेरे लिए ले लो भाई चलो मेंटोर के हुए या सीनियर्स के होते हुए सीनियर चलो था लेकिन और कोई बंदे उसकी टीम में इतने अच्छे थे नहीं बच्चों को लेके 12-13 बच्चों को खड़ा करके एक साथ उसने वन एंड मैच जितवाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरी तरफ से चल मेरा भाई ये 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 लीजिए फरहान भाई द वन ऑफ बेस्ट ट्रॉफी भाई अब जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ इनाम वैसे नहीं हुआ कहाँ हो पूरे मोहल्ले में उन्होंने कहा था कि हम बिना रहे हम ही बिना रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं गए मेहनत बहुत की उस टीम ने पहला मैच बहुत गंदा हार गए थे उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया इन असल में इनके जो मेहनत का राज है वो इनके कोच है कोच के लिए तालियां बजा के वो कोच तो भाई आज है स्टेज पे लाहौर के कैप्टन आओ भाई कोई टाइम नहीं है
चलती रहती है भाई, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। टीम बुला लो यार, अभी टीम बन गया, कोई का की टीम बुला लो, पूरी टीम आ जाए स्टेज पे। बकरी टीम थी जो इस पूरे टूर्नामेंट की, जिसके वेंडर को कोई लेना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बंदे ने हिम्मत की और उसको लिया, पहली पिक में इफ्की भाई को लिया और वो लेना अच्छा साबित हुआ और ये लोग चैंपियन बने। पहले तो बहुत बुरा खेला आप लोगों ने, लेकिन जिस तरह से कमबैक किए, दो लोअर डिफेंडिंग मैचेस आप लोगों ने डिफेंड किए, ऑसम, तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पे ASL सीजन 7 की जो विनर है लाहौर कलंदर है, कैप्टन प्लीज कम कैप्टन। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म, अल्लाह हाफिज़।